बोलना चाहेंगे आज इस इवेंट के कार्यक्रम के बारे में? ये आज का जो इवेंट है ये कंद दर्शन दरबार, जो कि इंडिया में कई दिल्ली, फरीदाबाद, नागपुर, कई जगहों पे है, मुंबई, कांदीवली, वैसे ही फॉरेन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, आज जो ये जो आज रैली है, प्रेरणा दिवस कहा जाता है, 11 नवंबर को 87 में महाराज दर्शन दास जो थे, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, उन्होंने शहादत दी थी। वो जो सेपरेशन मूवमेंट चल रहा था खालिस्तान का, उसके अगेंस्ट खुल के बोलते थे, तो शहादत देने के बाद जो है मूवमेंट ये रुक गई हो जो, तो इसके बाद हर साल 11 नवंबर को ये पीस मार्च निकाला जाता है। और क्योंकि ये साल दिवाली 11 को है, तो ये 8 को हम ये पीस मार्च पूरे जितने भी आश्रम हैं सब जगह से निकलते हैं, तो पूरे ऑल ओवर मुंबई में, मुंबई, दिल्ली, फरीदाबाद, अमेरिका, जहाँ भी हैं आश्रम सब जगह करते हैं। किस प्रकार से ये आश्रम की बात करें तो किस प्रकार से रन करती है और क्या क्या उनके, ये जो आश्रम है ये किसी पर्टिकुलर धर्म का नहीं है, यहाँ पे ह्यूमैनिटी और अपना मतलब के ब्रदरहुड, भाईचारा, ये चीज़ सिखाई जाती है। अभी भी आप देखोगे कोई सिख हैं, हिंदू हैं, कई मुस्लिम्स भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, और यहाँ पे आके गुरुजी से कृपा लेके सत्संग, उनके गुरुजी का कहना है कि अगर किसी चीज़ को मारना है तो उसके विचार को बदलो, आप जोर ज़बरदस्ती से या कोई चीज़ से कोई मसला हल होना नहीं है, उसके विचार बदलोगे तो पीस आ जाएगा अपने आप। तो अभी ये जो ड्रग्स एक प्रॉब्लम है, बेरोजगारी एक प्रॉब्लम है, तो उसका सारा जो है एक मतलब के प्रवचन्स के जरिए और मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं, तो ये ट्रस्ट जो है एक ब्रदरहुड ट्रस्ट है और हर धर्म के लोग इससे जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार से रन करती है और क्या है आज की ये कार्यक्रम के बारे में? ये शहीदी दिवस है सदगुरु दर्शनदास जी का, जो हम हर साल हर आश्रम में, जितने भी हमारे आश्रम हैं, जैसे जी हमारे सदगुरु जी ने कहा, तो वहाँ पर ये प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो भी महाराज जी ने, हमारे सदगुरु दर्शनदास जी ने कुर्बानी दी अपनी जान की परवाह करते ना वहाँ पर, तो इंग्लैंड में, तो लोगों के अंदर एक प्रेरणा सी जागे, क्योंकि हमारा मिशन है नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबदा पला, यहाँ पर सरबदा पला सबका मांगा जाता है, ये सर्व धर्म सर्व भाव है, यहाँ पर कोई जात पात, किसी मजहब कौम का, किसी कोई सारे यहाँ पर आते हैं। इंसानियत का पाठ जो हमारे अभी के हमारे गुरु महाराज घसीटाराम कंद जी हैं, ये इंसानियत का पाठ यहाँ पर पढ़ाते हैं सबको, अपने सत्संगों द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने विचारों द्वारा, समाज के लिए, उसके कल्याण के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए भी यहाँ पर नामदान दिया जाता है, सेवा सेवा के द्वारा, सबके द्वारा। तो अगर बात करें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों समुदाय के लोग यहाँ एक घाट पे पानी पीते हैं, किस प्रकार से इसको इकट्ठा करते हैं आप लोग और कितनी कठिनाई होती है इस सारे समाज को एकत्र करना? जैसे तो हमने कहा कि एक आध्यात्मिक ये केंद्र है, आध्यात्मिक हमारे महाराज जी, गुरु महाराज घसीटाराम कंद जी सिर्फ कहते नहीं है, जो भी है वाणी उनकी जैसे है तो उसके सिद्ध करके भी यहाँ पर दिखाया जाता है, सिर्फ कहा नहीं जाता, महाराज जी उसका मार्गदर्शन देते हैं कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, तो इंसानियत का पार्ट है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, ये सबके लिए खुला है, ये हमारा आश्रम कंद दर्शन दरबार। अमरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे दर्शन दरबार में आपको बुलाया गया, आपका स्वागत किया गया, कितने खुश हैं और क्या आपने यहाँ से सीखा? जी, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ के संस्थापक, व्यवस्थापक और सारे मेंबर्स और ऑल जो इस आश्रम के भक्त और गण जो भी हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, हम फिल्मी लोग हैं लेकिन एक ऐसे परिवार में आने के बाद ऐसा लगता है कि हम कहीं बटे नहीं हैं, हम सब एक हैं और अपनी कलाओं और अपनी इच्छाओं और अपनी शक्ति के अनुसार हर एक इंसान यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कर्मठ है और कर्मशील है और कर्म कर रहा है। तो मैं जैसे कि इस आश्रम के बारे में कहना चाहूँगा और जो मैंने अभी सुना है कि पूरे देश नहीं, पूरे विदेशों तक में फैला हुआ और लोग इस 11 तारीख की जो शहादत जिस तरह से दिन को, दिवस को याद करते हैं साल में एक बार, बहुत बहुत खुशी की बात है और हम सब साथ में हैं कदम दर कदम। और मैं चाहूँगा कि ये हर साल और भी विकास और बड़े तौर पे हो, हम सारे लोग इकट्ठा होकर इस दिवस को भरपूर मनोरंजन के साथ मनाएं।
सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल कि ये 11 तारीख को जो होने वाला है कार्यक्रम, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप पूरे देश में जो आपकी ये रैली निकलेगी उसके लिए? दर्शकों से यही अपील है, देशवासियों से यही अपील है कि किसी भी, आज धर्म बनाया गया पीस के लिए, भाईचारे के लिए, ना कि झगड़ों के लिए। एकट होकर रहें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें और भाईचारे से रहें, अड़ोस पड़ोस में सफाई रखें। और आज जैसे बोलते हैं कि जैसे ही रोशनी पड़ती है अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही जैसे ही बंदे को थोड़ी समझ आती है तो फिर वो बहकावे में नहीं आता। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कन्फ्यूजन है, बहकावा है, उसमें ना आए, अपना भाईचारा रखें, अपने अड़ोस पड़ोस सबसे प्यार करें। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ठाकुर साहब का लेके दर्शन दरबार के बारे में शुभकामनाएं देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मैं भी 20 साल से जुड़ा हूँ, महाराज जी की काफ़ी कृपा है मुझ पर, जिस वजह से हम लोग नागपुर में भी मनाते हैं और बस बाकी तो सब ठीक, इसलिए हम नागपुर से भी काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर।
फोन किया। वो कैंडल ये खड़ा एक तो उधर ही था ना सेंटर पे रखो।